देश में कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। इसके बाद लोगों में एक बार फिर दहशत बन गई है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद तमाम जिलों और अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं ठंड बढ़ने से खांसी जुकाम और सामान्य फ्लू के मरीज भी बढ़ गए हैं। सामान्य खांसी जुकाम होने पर भी लोग अस्पतालों में पहुँच रहे हैं और डॉक्टर से कोविड जाँच कराने की मांग कर रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। इसमें पैनिक सिचुएशन थोड़ी सी तो है। दूसरे राज्यों में भी स्पेशली केरला में कुछ कोविड के केसेस देखे गए हैं, बट इसके लिए हमारा अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके मुस्तैद है और गवर्नमेंट एडवाइजरी के अनुरूप जिन मरीजों में फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं उनमें हम कोविड की जाँच, स्वाइन फ्लू की जाँच, सारी जाँच हम करा रहे हैं। और अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। आप बुखार की गोली तो इतना नहीं बोलेंगे हमेशा, तो ऐसे भी डॉक्टर को दिखा करना चाहिए। फ्लू के लक्षण के सिम्टम्स में यूजली लोग क्या करते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक या नज़ली ज़ुकाम की दवाइयाँ का प्रचलन और साथ में एंटीबायोटिक्स का प्रचलन बहुत ही कॉमन है। इस सर्दी के मौसम में लोग बिना डॉक्टरी सलाह के, चिकित्सीय सलाह के अनुरूप दवाइयाँ लेते हैं, जो कि उचित, बिल्कुल भी उचित नहीं है। पहले आपको जांच करानी चाहिए, जांच के अनुरूप डॉक्टरी सलाह पर ही दवाई लेनी चाहिए। अगर किसी दवा की ओवरडोज बोलें या फिर उसका एक खाने का तरीका और उसका समय होता है, अगर उसके अलावा खाते हैं तो उसका नुकसान होता ही है। हमेशा कुछ दिनों में देखा गया है कि केरल में और कर्नाटका में कोविड के नंबर बढ़े हैं। उसको लेकर हमारी कल एक नेशनल कमेटी की मीटिंग भी हुई थी और आज स्टेट कमेटी की मीटिंग भी हुई है, जिसमें सब यही देखा गया है कि अभी तक हमारे उत्तराखंड में ये कोई भी केस नहीं पाया गया है। और इसमें हम लोग अलर्ट रहें, आप लोग के माध्यम से सभी से अपील है कि मास्क का उचित उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, लेकिन पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना बचाव ही अपना इलाज है। इसमें जिस तरह से पहले भी कोविड को हम लोगों ने मात दी है, उस तरह अभी भी आगे हम देख पड़ रहेंगे। कोई ये जो नया वेरियंट है, ये ओमिक्रोन का ही एक आगे का वर्जन है, लेकिन इसमें अभी तक कोई ये ज़्यादा गंभीर है या ज़्यादा तेज़ फैलता है था कुछ भी नहीं देखा गया है। और अभी डाटा कम है तो इसमें वैक्सीन का इफेक्ट भी, लेकिन जिस तरह से हमारी यहाँ की वैक्सीन है होल जीनोम, तो वो बहुत इफेक्टिव होने का पूरा चांस है। वायरल फीवर जो होता है उसमें नॉर्मली जो बड़ी उम्र के लोग हैं, दिल के मरीज हैं, डायबिटिक्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम है या कैंसर मरीज हैं, ये 5-6 इस तरह की कोमॉर्बिड कंडीशन है जिनमें ज़्यादा गंभीर रूप लेने का चांस हमेशा रहता है। इसी तरह कोविड में भी हमने पहले भी देखा है कि कोमॉर्बिड कंडीशन वाले मरीजों में ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।